फ्रेंड्स सावधान हो जाइए, आप चिपक जाइए अपने मोबाइल की स्क्रीन से। तो मैं आज आपको एक न्यू अपडेट न्यूज देने वाला हूँ। तो जी हाँ, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वो सारी डेट्स अनाउंस कर दी हैं जो कि एग्जाम की फॉर्म ऑनलाइन भरने की रजिस्ट्रेशन की डेट पेंडिंग थी। जैसे कि आपको ज्ञात हो, 2-3 दिन पहले ही हमने ये न्यूज कवर की थी कि 1 हफ्ते के अंदर नई डेट्स अनाउंस होने वाली हैं। तो मैं आपको डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और अधिक क्वेश्चन के लिए #AskWithPN का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है, कोविड की वजह से 3 जो आवेदन फॉर्म स्टार्ट हुए थे उसको UK SSC ने कैंसिल कर दिया था, इट मींस पोस्टपोन कर दिया था। उनकी डेट बाद में अनाउंस करने को कहा था। अब मैं वो 3 पोस्ट कौन कौन थी, 3 एग्जाम्स मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप साइड में देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 23 और 24 और 25, ये 3 विज्ञापन थे जिसमें 120 पद पशुधन अधिकारी, अधिदर्शक रेशम विभाग, निरीक्षक, कुल पद 149 थे जिसकी डेट 31 मार्च थी। उसके अलावा दूसरे में 24 में जिसमें कनिष्ठ अभियंता के 121 पद थे उसकी 2 अप्रैल थी। उसके अलावा डेटा एंट्री ऑफ कनिष्ठ सब कुछ मिलाकर 746 पद थे जिनकी डेट 26 अप्रैल थी। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, इनकी नई डेट्स आ गई हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कहना है UK SSC का कि वर्तमान में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने के अलावा तथा स्थानीय स्तर पर यातायात की अनुमति दे गई है, इसीलिए पुनः आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 11/6 यानी कि कल से 11/6 यानी कि कल से ये विंडो ओपन हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये विंडो कल से ओपन हो जाएगी, 11/6/2020 से पुनः प्रारंभ कर दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं इसकी लास्ट डेट आपको एक एक करके बताऊंगा। इसके अलावा इन्होंने जो मेन पॉइंट्स कहा है कि 11/6 से यानी कल से ये विंडो ओपन हो जाएगी तथा अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उपरोक्त तीनों विज्ञापन में 1 सप्ताह का समय आवेदन के लिए बढ़ाया जाए, यानी कि तीनों विज्ञापन ऊपर से एक एक करके इनके एक एक हफ्ते का यानी एक एक वीक का गैप दिया गया है। तो आप अगर नहीं भर पा रहे होंगे तो धीरे धीरे इसको भर सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए, सबसे पहले विज्ञापन संख्या 23, ठीक है, विज्ञापन संख्या 23 की जो लास्ट डेट थी 31 मार्च थी, उसकी डेट है 27 यानी 27 जून 2020 तक, यानी कि पशुधन अधिकारी, अधिदर्शक मार्ग रेशम और निरीक्षक के कुल 149 पदों की जो लास्ट डेट थी वो बढ़ाकर अब 27 जून कर दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 27 जून कर दी गई। उसके अलावा अगली विज्ञापन संख्या 24 जिसका लास्ट डेट था 2 अप्रैल, कनिष्ठ अभियंता सिविल, उसकी डेट बढ़ा के कर दी गई 29/6/2020, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में जो विज्ञापन संख्या 25 जिसमें काफ़ी बम्पर भर्तियां निकली हुई थी 746 पोस्ट की, उसकी कर दी है 22/7/2020 यानी कि जुलाई तक, यानी कि ये इसमें काफ़ी बम्पर एप्लीकेशन आने की संभावना थी इसलिए इसकी डेट भी बढ़ाकर सबसे ज़्यादा कर दी है 22/7/2020। तो इच्छुक अभ्यर्थी कृपया निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन भर लें। तो अगर आप लेट से जुड़े हैं मेरे साथ तो मैं आपको फिर से बता दूं कि UK SSC जो 3 बड़े विज्ञापन थे उनकी डेट को एक्सटेंड कर दिया। सबसे पहले विज्ञापन संख्या 23 की, मतलब पशुधन अधिकारी की, ठीक है, रेशम विभाग की वो 27 जून, उसके अलावा कनिष्ठ अभियंता सिविल की 129/6/2020, उसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर, विभिन्न विभागों के अंतर्गत इंटरमीडिएट स्तर के पद को डेट है 22/7/2020। तो फ्रेंड्स, जल्दी से यार अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जा में जाकर मुझे ट्विटर इंस्टाग्राम से फॉलो कर लो और इस वीडियो को शेयर कर दो। तो कल आप 11 तारीख को कल से आप बैठ जाइए अपने मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप जो भी आपके पास है, और फॉर्म भरना चालू कर दीजिए, कहीं सर्वर डिले ना हो जाए, क्योंकि UK SSC में कुछ भी संभव है। तो यार कैसे लगी वीडियो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।